नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और मैं हूं राहुल। हम लेकर हाजिर हैं आज का अपना ये पहला लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि है इंक्लूसिव क्लासरूम का, टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। आप मेरे साथ स्क्रीन पर एक इंटरप्रीटर देख रहे हैं, मिस ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो भी बातचीत आज करने जा रहे हैं, हमारा ये जो सेशन है ये क्लास 10th का है, तो शी विल इंटरप्रीट ऑल द मटीरियल विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो ये हमारी आज हेल्प करने वाली हैं साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझने के लिए इस सेशन को। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिलेटेड टू केमिस्ट्री है, लेकिन अभी क्लास 10th में है तो हमारा जो विषय है वो है साइंस। तो हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ कि आपको ये चैप्टर आज पढ़ाने के लिए, इनफैक्ट समझाने के लिए, वी हैव अ गेस्ट मिस अनिमा डे। आप TGT साइंस हैं और एक स्पेशल एजुकेटर हैं। तो अनिमा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या आज इसमें है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए? जी, see, we are taking up class 10 का साइंस टॉपिक है एंड वी हैव टेकन अप चैप्टर 3 NCERT बुक से। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बेसिकली बच्चों को क्लास 10 तक, क्लास 8 में उन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर काफी कुछ पढ़ रखा है, बट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग फर्दर। So metals and non-metals thing is that we actually know that there are 118 different kinds of elements which is present. Ab tak hamare paas known hai, jisme sirf 94 are naturally occurring and the rest are artificially man-made elements. So out of these 118 elements, there are 92 metals and we have got 20 non-metals and 6 metalloids. अब मेटलॉइड्स क्या है? दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यू वुड सी कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में देखें तो हम देखते हैं कि 78% ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ मेटल्स ओनली। एंड वी ऑल्सो हैव, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वी हैव दैट लाइट ब्लू वेयर द एंटायर थिंग इज मेटल्स, वेयर इज द येलो कलरेशन इज डिपिक्टिंग नॉन मेटल्स। तो ये चैप्टर एक कंप्लीट हाईलाइट है टू अंडरस्टैंड दैट इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस तरह से फिजिकल बिहेवियर दिखाते हैं, किस तरह का केमिकल बिहेवियर दिखाते हैं, और अगर केमिकल बिहेवियर है तो किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स के साथ ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ अ मेटालिक फॉर्म सॉलिड और इन द गैसियस फॉर्म, दैट इज द नॉन मेटल्स। So here are a few common names of the metals, metalloids and non-metals. अब तक क्लास 10 के हमारे बच्चों को बिल्कुल ये नाम रट गए हैं, पर अब हम उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं कि जो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स होते हैं, whereas नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, ये नॉन मेटल्स होते हैं। whereas we see that बोरोन, सिलिकॉन, अर्सनिक, एंटिमनी, पोलोनियम, दीज आर ऑल मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स हम अभी कवर नहीं कर रहे, हम पहले जाने तो कि ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है। मेटल्स विच वी सी अराउंड, हम इर्द गिर्द हमेशा मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं, हम उनको देखते हैं, पर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वी कैन एनलिस्ट मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हम अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम अपीयरेंस से उनको देख के, महसूस, टच करके हम उनके बारे में बता सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डक्टिलिटी, या डक्टाइल होते हैं मेटल्स। डक्टाइल मतलब हम इनको बीट करके एक थिन वायर बना सकते हैं। तो कुछ मेटल्स तो बहुत डक्टाइल होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, बहुत ही डक्टाइल मेटल है, उनका एक लंबा सा एक वायर बना सकते हैं। फिर देर आर सर्टेन मेटल्स जिनकी डक्टिलिटी कम होती है, बट मोर लेस ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। मेलिएबल, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। मेलिएबल मीन्स वेन यू कैन बीट इट इन टू वेरी थिन शीट्स। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉयल। आप एल्यूमिनियम के बर्तन देखते हैं आपके किचन में, वो एक आकार में आता है, वो थिक होता है, पर उसी एल्यूमिनियम को अगर इफ इट इज बीटन विद एन हैमर, देन वी कैन स्ट्रेच इट इनटू अ थिन शीट व्हिच कम्स एज अ फॉयल, जो रैप, फूड रैपिंग के काम आता है। वी ऑल्सो सी दैट द अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज गुड कंडक्टिविटी ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
एंड दैट्स व्हाई ऑल द इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट वी हैव या जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं. अगर वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते तो हम उनको इस्तेमाल कुकिंग के लिए हम यूज ही नहीं कर पाते, या कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए हम यूज नहीं कर पाते. तो हम देखते हैं कि मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, इट अलाउज इट टू पास. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज शाइन. शाइनिंग मतलब लस्टरस, दिस इज द टर्म दैट वी यूज. शाइनिंग मतलब लस्टरस. मेटल्स की अपनी एक खासियत है कि वो शाइन करते हैं, और इसी खासियत की वजह से हम गोल्ड सिल्वर प्रीडोमिनेंटली हम ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरीज में यूज करते हैं इसी फैक्टर को लेकर. इट इज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, तो इसीलिए नॉर्मल वे में हम मेटल्स को हमेशा सॉलिड के रूप में पाते हैं. बट देन इन द लिक्विड स्टेट यू विल गेट देम ओनली व्हेन यू रेज द टेम्परेचर टू अ वेरी हाई एक्सटेंट. इट्स ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर दे विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड इवेंचुअली स्टार्ट बॉइलिंग. दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इसी वजह से आयरन and other thing, other metals, copper, they are very strong. So we see these are some of the physical properties of metals. अगर हम metals को जानते हैं तो हम चलिए non metals के बारे में पढ़ते हैं. Non metals बिल्कुल opposite है, और उसमें देखा जाता है कि mostly they are gaseous state. तो non metals उनमें कोई strength नहीं होती, because most of them are in gaseous form. You find they are lustreless, they are dull. उनमें कोई luster नहीं होता. They are brittle. Even if they are solid, you know, they easily break. They are not good conductors of heat and electricity, except graphite. And what is graphite? Wo pencil ke lead hoti hai. To wo ek graphite hai, and it is a non-metal. So ye ek matra aisa non-metal hai, jo solid form mein hai, and you know it is brittle. Matlab jaldi se toot nahi jata. Ki pencil haath se chuta nahi, ki uske liye toot. Right. Okay, and then it is non-sonorous. It does not make any kind of sound. You know? It does not make any kind of sound. So मैंने यहाँ पर आप स्क्रीन में ये भी देख सकते हैं कि हम ये सारे मेटल्स को हम देखते हैं कि 12 ऐसे सारे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड रूप में पाए जाते हैं. We have 11 which exist in the gaseous form, and only bromine exists in the liquid format. अनिमा जी, यहाँ पर आपने मेटल्स की बात की. We are learning about properties, physical properties of non metals. We are user of metals in means in daytime we use various things which is made by these metals. So the question is, this is the advanced version of chemistry. और जैसे हम बात करें junior high school की, वहाँ तक एक normal science होती है. Inclusive classroom में हमारा so the main question comes here कि आप ये कैसे समझाएंगी ये जो metal और non-metal है, इसमें जो चुनौतियां आने वाली हैं आपके सामने बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, वो आप हमें बताएं कि कैसे आप उन बच्चों तक अपना मैसेज कन्वे करेंगी जो स्पेशल हैं. इन केस ऑफ मेटल्स इट बिकम्स इजी फॉर देम टू परसीव. द रीजन बीइंग मेटल सॉलिड होते हैं तो उनको हम अलग अलग फॉर्म में दिखा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं कि ये मेटल है. एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया, इनकी जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी या मिलियबिलिटी. एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मिलियबिलिटी कि इसी एक एल्यूमिनियम बर्तन है ये, देखो ये एक आकार है और उसको हम हीट करके इतना पतला भी बना सकते हैं, इसको थिन शीट में भी रूप दे सकते हैं. वेर इज जो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, हम उनको छू नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, तो उनको हम मिलेबल तो बना ही नहीं सकते, उसको बीट कैसे करेंगे, वो तो गैसीय स्टेट में है. और फिर आप हवा से आप ऑक्सीजन लेके उसको डक्टाइल नहीं बना सकते, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती. आप जब हाथ फैला रहे हो एयर में तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, या आपको कुछ दिख नहीं रहा है. सो यू नो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस जो हम इन बच्चों को दे सकते हैं, बखूबी वो समझ सकते हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज होती है. अगर वो विजुअली चैलेंज है तो एटलीस्ट वो सुन पा रहे, तो वो सोनोरिटी हम उनको बता सकते हैं कि वो सोनरस है, साउंड बनाता है मेटल. वेयर इज हवा में जो ऑक्सीजन है वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है. अगर वो हियरिंग प्रॉब्लम है देन वी कैन जस्ट टेल द चाइल्ड कि आप छू के देख तो सकते हो कि देखो ये मेटल इसका एक डेफिनेट आकार है. वेयर इज नॉन मेटल का वो डेफिनेट आकार नहीं होता, क्योंकि वो इस फॉर्म में होता है. या हम लेड, जैसे मैंने ग्रेफाइट का एग्जाम्पल लिया था कि लेड इट इज अ सॉलिड नॉन मेटल पर कितना ब्रिटल है. आप
एक चम्मच को गिरा देते हो वो टूटता नहीं, बट एक पेंसिल गिर जाता है तो वो टूट जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन पिक अप फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ, तो ताकि हम इस कंसेप्ट को फैसिलिटेट करें और आसान बना दें हमारे बच्चों के लिए. राइट जी डॉक्टर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और मेटल्स और ये नॉन मेटल्स के चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने और जानने के लिए. जी, अभी जब हमने इतना फिजिकल तो देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो हम we don't try to understand, मतलब दिखते नहीं है, but then there are certain evidences, क्योंकि chemical reactions ऐसे ही होता है कि वो कुछ indications देता है. तो हम पहले highlight करते हैं metals को लेकर, थोड़ा सा chemical equations है, but then बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे. Metals जो है वो oxygen के साथ, क्योंकि हमारे एक के बहुत oxygen available है, हर एक metal it is exposed to the air, that is oxygen. तो देखा जाता है कि metals हमेशा oxygen के साथ react करके वो basic oxide या amphoteric oxides बनाते हैं. Basic oxide मतलब bases होते हैं. उन्होंने हमारे बच्चों ने चैप्टर टू में एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में सीखा है, जाना है. तो वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब हम उनको लिटमस, एक ब्लू रेड लिटमस ले लिया, उनको टेस्ट किया तो हम देखेंगे वो रेड हो जाता है, वो बेसिक ऑक्साइड हो जाता है. ठीक है, रेड लिटमस इफ यू टेस्ट इट विद अ बेसिक ऑक्साइड इट विल टर्न इनटू हीट. सिमिलरली मेटल्स विल ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, और फिर हम देखते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है. तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि कोई भी, और इसी की एप्लीकेशन होती है कि हम कोई भी एसिडिक सामान कभी मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते, जैसे कि अचार हो गया या कर्ड हो गया, उनमें एसिड्स होते हैं, तो हम उनको कभी किसी मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि इसमें तो रिएक्शन हो जाता है, बिकॉज दे विल फॉर्म अ कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी डिफॉर्म्ड. It is also seen that metal reacts with water. Moisture हमारे air में बहुत होता है. So this water vapor that is present in the air will react with metal to give corresponding hydroxide and hydrogen gas. So हम देखते हैं कि जो metal है, it is subjected to different kinds of chemical reactions. और ये chemical reactions के लिए हमें individual effort देने की ज़रूरत नहीं है, ये automatically हो जाता है, because it is every metal is exposed to the atmosphere. लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो जिस तरह का बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जब एक कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो एक तरह का बॉन्ड या रिलेशन बनता है, तो वो जो बॉन्ड है वो आयोनिक फॉर्म में होता है, जो हम इस चैप्टर के लेटर पार्ट में भी जानेंगे कि वो एक आयोनिक टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है. सो वी सी दैट मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल सॉल्ट बनते हैं. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं. वेरस मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक आयनिक काइंड ऑफ बॉन्ड बनाते हैं. अब जब हमने मेटल्स के बारे में सीख लिया, तब नॉन मेटल्स को लेकर बात करते हैं. नॉन मेटल्स बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी दिखाता है मेटल से. वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाता, वो बनाता है एसिडिक ऑक्साइड. और नॉन मेटल तो कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है. और अगर उसने कभी ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, देन वी फाइंड इट टेंड्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट काइंड ऑफ बॉन्ड. सो नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड दैट इज आयनिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो वी फाइंड दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस, नॉन मेटल्स डज नॉट शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स. It reacts with oxygen to make a acidic oxide, whereas non-metals do not react with acid, does not react with water, and the kind of bond that exists with chlorine is basically a covalent kind of bond. राइट right. मुझे लग रहा है ये काफ़ी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. मैं ये पढ़ रहा हूँ उन बच्चों के साथ जो इस क्लास के स्टूडेंट हैं, और हम देखते हैं जैसे आपने कहा भी था कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, जैसे वायर्स, वी आर यूजर ऑफ वायर्स, और वो मेटल्स के बने होते हैं और वो गुड कंडक्टर होते हैं. एक जनरल कॉमन साइंस का क्वेश्चन है कि दे आर द गुड मीन्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इस प्रकार का जो एक कंसेप्ट है, हाउ विल यू एक्सप्लेन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन योर इंक्लूसिव क्लासरूम?
See, हम जब ये कहते हैं कि मेटल्स में गुड कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मतलब द मेटल्स को रेडिली इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उसके थ्रू पास करना, मतलब वेरी एक्सेसिबल. बट होता क्या है मेटल्स में, उनमें होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा होता है क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, कि टीचर ने कहा नहीं कि नोटबुक उस क्लास में दिया वो तुरंत खड़े हो जाते हैं. तो उन मेटल्स में भी ये गुण होता है कि उनमें कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है जो हमेशा घूमते रहते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू मूव. सो द मोमेंट दे गेट this potential of electricity, energy आती है, वो electrons उसको translate करने लगते हैं, उसको आगे बढ़ाने लगते हैं, conduct करने लगते हैं. तो इसी वजह से metals good conductors होते हैं जो हम non-metals में नहीं पाते. non-metals में बहुत जो electrons है वो बहुत tightly bound है, वो already उनमें deficiency है, तो वो conductivity नहीं दिखाते. whereas metals में loosely bound electrons है. तो हम इन बच्चों को ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे क्लासरूम में बहुत एक्टिव होते हैं, वो जल्दी कुछ लाना है टीचर को, कुछ लाना है या हेल्प कर दिया, हमेशा तैयार रहते हैं. तो हम उस तरह से उनको ये बात समझा सकते हैं कि ये देखो वो जल्दी से तैयार हो गया, मतलब इट इज ट्रांसलेटिंग, इट इज कंडक्टिंग द पोटेंशियल और द एनर्जी, दैट इज इट इज पासिंग द नोटबुक फ्रॉम द टीचर टू यू. सो इट इज कंडक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू द अदर. सो दिस कैन बी वन वे ऑफ एक्सप्लेन इट टू अवर स्पेशल चिल्ड्रन. Okay, right. Yes, this is the wonderful sir. example, I think. Yes. Okay. Okay, let's move ahead. We have hardly 10 minutes, 10 to 12 minutes in this session. Yes. So in the reactivity series, we have a series of metals which has been arranged according to the reactivity. हम देखते हैं जो सबसे top position में है, they are most reactive. Whereas the one which is at the bottom, they are the least reactive. उसको explain करने के लिए, we have something called displacement reaction जो हम class chapter 1 में भी पढ़ चुके हैं. तो इस displacement reaction में क्या होता है? राहुल जी, मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा activity conduct करके दिखाऊँ बच्चों को, ताकि किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करते हैं. तो मेरे पास एक सेटअप है. आई हैव जस्ट गॉट थिंग्स दैट आर अवेलेबल विद मी. आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ कॉपर सल्फेट. यू नो कॉपर सल्फेट, मैंने थोड़ा सा चुटकी भर कॉपर सल्फेट, आई एम टेकिंग इट इन वाटर एंड आई एम मेकिंग अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट. ओके, सो आई मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ कॉपर सल्फेट और हम देखते हैं कि ये सोल्यूशन ब्लू कलर है. कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये ब्लू कलर सॉल्ट है, हम ये देखते हैं कि इट इज फॉर्मिंग अ ब्लू कलर सोल्यूशन. अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किस तरह से समझाएंगे? मेरे पास आयरन फिलिंग है, आयरन पाउडर है, मैंने इसमें डाल दिया जो ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल जैसे हम पेंसिल शेविंग निकालते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का फॉर्म आता है, और मैंने इसको हल्का सा फिला दिया. अब इवेंचुअली अगर हम थोड़ा सा डिलीट करें, हम देखते हैं कि अब ग्रेजुअली जो ब्लू कलरेशन है वो धीमे धीमे से हल्के से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है. तो जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको तो ये चेंजेस दिख रहे हैं, पर हमारे विजुअली एड के बच्चों को कैसे दिखेगा जी? कि ये जो ब्लू कलरेशन वो हल्के धीरे धीरे वो ग्रीन कलर होता है, और जो ब्लैक कलर्ड आयन है वो धीरे धीरे ब्रिक रेड कलर हो जाता है. सो आई थिंक दे आर गेटिंग क्लियर आइडिया अबाउट इट. सो विजुअली एड बच्चों के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस है, और वो डिवाइस यूज करने से दे टेंड टू डिटेक्ट द कलर. यू नो उनके पास सेंसर्स होते हैं. सो उसको हम सिलिकॉन आई भी कहते हैं, ये ग्लव की तरह पहना जाता है. तो इसको अगर हम पास लाए तो वो स्पेक्ट्रा उसको एनालाइज करता है, और फिर वो कलर डिटेक्टर बता देता है वर्बली उन बच्चों को कि ये कलर ब्लू था और फिर 5 मिनट बाद ये कलर ग्रीन हो गया. अब क्वेश्चन है कि ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर हुआ क्यों, क्या था उसमें? अब देखते हैं इसको, मैं जल्दी से आपको एक स्लाइड में. इसमें क्या हुआ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. जो कॉपर है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करता है वो आयरन को वहां से हटा देता है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, तो वहां से हटा के वो उसकी जगह ले लेते हैं. सो वी इवेंचुअली फॉर्म्स आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर एंड कॉपर विच इज ब्रिक रेड इन कलर. तो ये जो कलर चेंज है ये इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं? वो जब भी रिएक्ट करते हैं वो बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स. सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने पिक्टोरियल वे में दिखाया है, और जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो मॉडल के रूप में भी इसको पेरेंट्स और टीचर्स उनको फैसिलिटेट करके इनको समझा सकते हैं कि सोडियम हैज गॉट यू नो 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज लूजली बाउंड, व्हेयर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट शेल में. सो सोडियम ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, एंड व्हेन इट ट्रांसफर्स दिस इलेक्ट्रॉन देन वी फाइंड दैट सोडियम बिकम सोडियम आयन. नाउ इट इज स्टेबल एंड क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन. सो सोडियम हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज.
तो एंड वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बन जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड. और सोडियम क्लोराइड क्या है? इट इज द कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. सो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्मड बाई दिस आयनिक बॉन्ड. और आयनिक बॉन्ड क्या है? क्योंकि सोडियम आयन बन गया था, क्लोरीन क्लोराइड आयन बन गया था, और दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जुड़ के, बन जाता है सोडियम क्लोराइड. सो जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड. ओके, सो जो ये आयोनिक कंपाउंड है या आयोनिक बॉन्ड है, क्या जितने भी कंपाउंड है उन सब में आयोनिक बॉन्ड होता है, ऐसा कुछ होता है? जी नहीं राहुल जी, हर एक यस यस आई कैन हियर यू, मैंने आपका क्वेश्चन सुना. एक्चुअली ऑल कंपाउंड्स डोंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. हम देखते हैं प्रीडोमिनेंटली ओनली फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट वी ऑल्सो हैव अनदर काइंड दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर शेयरिंग होती है. यहाँ पर तो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर. सोडियम के पास एक्स्ट्रा था, उसने क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के पास कम था, उसने कंप्लीटली ले लिया, तो वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, इसी वजह से उसको आयनिक बॉन्ड है. पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब म्यूचुअल शेयरिंग है, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, हम दोनों शेयर करके बैठते, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ऑल compounds don't have the thing. जब हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में बात की है, तो राहुल जी मैं चाहती हूँ कि हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें आयनिक कंपाउंड्स के. बिल्कुल, हम जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास 3 या 4 मिनट का ही समय है सिर्फ. तो आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है. वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो कभी सॉल्युबल नहीं होते, जैसे अल्कोहल में वो कभी डिसॉल्व नहीं होंगे, और वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं इन द मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म. यही हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ जाते हैं जहां पर होमवर्क भी होता है क्योंकि हमारा समय बीता जा रहा है. जी, सो होमवर्क में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि यू नीड टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मेटल्स दैट वी यूज एवरी डे दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. अब इर्द गिर्द से कोई भी 3 मिलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स के नाम लिखिए, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, सोडियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए. और हमारे स्पेशल बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को काट के उसमें चिपका दें, एक शीट ऑफ पेपर में या चार्ट पेपर में आप चिपका दें, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया. या आप वायर का एक टुकड़ा ले लें, दैट इज ऑल्सो विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ डक्टाइल मेटल. तो आप इस तरह से इसको हेल्प कर सकते हैं. और जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो इस चीज को हाथ से महसूस कर सकते हैं, फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स के या एल्डर्स के मदद से छोटा सा पीस उस में आप वो पेस्ट कर सकते हैं, या वर्बली भी हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. सेकंड होमवर्क ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, उसको मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं. आप क्ले ले लीजिए, बीड्स ले लीजिए, या मोतिया ले लीजिए, या मार्बल ले लीजिए, फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और उनका आप उनको रिप्रेजेंट कीजिए, सोडियम ऑक्सीजन और क्लोरीन को. जी डॉक्टर, ठीक है. तो ये डक्टिलिटी और इसमें मेलिएबिलिटी, कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं, इनको आप एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए. मिलेबिलिटी का मतलब है, दिस आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. मिलेबिलिटी का मतलब है व्हेन यू बीट डाउन अ मेटल इनटू अ थिन शीट, वेरी थिन शीट. मैंने एग्जांपल दिया था आपको एल्युमिनियम फॉइल. डक्टाइल मींस आप मेटल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं एज अ थिन वायर. ठीक है, सो हमारे सारी जो वायरिंग होती है वो मेटल्स के बने होते हैं. और आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो जाता है, तब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड से. और इसीलिए वो कंपाउंड जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, हम उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड. ओके, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं. अब हम मिस ज्योति की हेल्प से ना इनको एक बार सीख लेते हैं कि कैसे आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, आप यदि इनकी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साइन लैंग्वेज. तो मेलिएबल पहला शब्द है, दूसरा डक्टिलिटी, और तीसरा है आयोनिक कंपाउंड. तो ये आप हम लोगों ने ज्योति जी की मदद से सीखा कि कैसे आप ये जो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के, इन्हें साइन लैंग्वेज में रिहर्स करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उससे कहेंगे, कैसे अपनी बात बताएंगे.
होमवर्क जो आपको मिला है वो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे लगता है कोशिशें ही कामयाब होती हैं। आपको ईमेल आईडी बताया गया, एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, dth.class10@theriet.nic.in, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर आप अपना होमवर्क ज़रूर भेजिएगा, और होमवर्क भेजने का तरीका भी आपको बताया गया है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम, सेशन का नाम बता दीजिएगा, टीचर का नाम बता दीजिएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जिसमें डेट ऑफ द सेशन, फोटोग्राफ ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो उसे भी ज़रूर भेजें, हम यहाँ शामिल करेंगे, और आपके तस्वीर के साथ आपका होमवर्क यहाँ दिखाया जाएगा, हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। स्कूल का नाम और एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि स्कूल का नाम आने वाले समय में आपके नाम से हो, ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अनिमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। तो ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का जी सेशन आपने पढ़ा, देखा, इसको आप YouTube पर भी बाद में देख सकते हैं जब आपका मन हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको सर्कुलेट करें, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, और जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए इसमें जो खास विशेष बातें बताई गई हैं उनका आप ज़रूर एहतियात बरतें और उन सबको करें, ताकि उनको भी उतना ही प्रॉफिट हो जितना कि बाकी सभी बच्चों को हो रहा है, क्योंकि सब बच्चे हमारे बराबर हैं, और ये हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम है। हमारा ये ISL का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिस ज्योति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरा सेशन इंटरप्रेट किया साइन लैंग्वेज में, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़ी। हमारा ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, तमाम हमारे और दिन भर के कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए PME विद्या चैनल्स के साथ। नमस्कार।